व्रत साल में एक बार आता है, सबसे बड़ा तीज का व्रत है। इसमें हम सातु की पूजा करते हैं, घर पे हम सातु बनाते हैं और आज के दिन हम सुबह से शाम तक पानी पे ये व्रत करते हैं। और इसमें हम हमारे घर बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो हमको एक दिन पहले सिंजारा देते हैं, जो हम रात को 2 या 3 बजे उठ के दमोली करते हैं, जिसे हम वो दमोली करते हैं, सिंजारा करते हैं, फिर हम पानी पे इसका व्रत करते हैं। और हम यहाँ पे आके सब सुहागने सातु की पूजा करते हैं, पूरी विधि विधान से सारा ये भगवान की पूजा होती है। ये शिव जी और पार्वती का बड़ा व्रत है। पार्वती ने 108 साल तपस्या की जब आज शिव जी को पाया था, जो ये सबसे बड़ा काजली तीज का त्यौहार शिव जी पार्वती का। बहुत इंतज़ार रहता है, ये साल भर का त्यौहार है, जो साल भर से इंतज़ार रहता है, आज से लेकर आने वाली तीज तक रहता है। इस दिन हम 16 श्रृंगार करके तीज चंद्रमा को अर्घ देकर पूजा करते हैं। ये कजरी तीज माता का व्रत है, जो सुहाग की लंबी उम्र के लिए रखते हैं हम। साल में एक बार आता है, सबसे बड़ा तीज का व्रत है। इसमें हम सातु की पूजा करते हैं, घर पे हम सातु बनाते हैं और आज के दिन हम सुबह से शाम तक पानी पे ये व्रत करते हैं। और इसमें हम हमारे घर बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो हमको एक दिन पहले सिंजारा देते हैं, जो हम रात को 2 या 3 बजे उठ के दमोली करते हैं, जिसे हम वो दमोली करते हैं, सिंजारा करते हैं, फिर हम पानी पे इसका व्रत करते हैं। और हम यहाँ पे आके सब सुहागने सातु की पूजा करते हैं, पूरी विधि विधान से सारा ये भगवान की पूजा होती है। ये शिव जी और पार्वती का बड़ा व्रत है। पार्वती ने 108 साल तपस्या की जब आज शिव जी को पाया था, जो ये सबसे बड़ा काजली तीज का त्यौहार शिव जी पार्वती का। कितना इंतजार रहता है इस दिन का? हमें पूरे साल इंतजार रहता है, हमें बड़ा क्रेज रहता है। ये हमारे माहेश्वरियों में सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ सुहागनों का यह त्यौहार इस रहता है और बड़ा क्रेज रहता है।